नमस्कार दोस्तों अड्डा के ऑफिशियल चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है जैसा कि आप देख रहे हैं कि सी सेट के प्रीवियस ईयर पेपर विद सॉल्यूशन में 2011 का हम पेपर डिस्कस कर रहे हैं और इसका पार्ट टू हम लेकर आए हैं आपके सामने पार्ट टू में क्या है और कैसे हमें करना है चलिए आइए देखते हैं और समझते हैं कि प्रश्न को किस प्रकार से हल करना है और कैसे करना है चलिए शुरू करते हैं पहले पे हमें देखना है क्योंकि क्वेश्चन ही पढ़ने हैं तो क्वेश्चन क्या है कैसे चार आयु पिरामिड अलग अलग देशों को निरूपित करते हैं उन पर विचार कीजिए गिवन बिलो नेम इनमें से कौन सी घटती जनसंख्या को इंगित करता है घटती जनसंख्या जनसंख्या को घट रही है ठीक देखिए यहां पर ए बी सी डी देखिए ये तो एक्सपेंड हो रही है जनसंख्या बढ़ रही है ठीक ये भी बढ़ रही है ठीक ये तो और बढ़ रही है यानी ये बढ़ रही है ये बढ़ रही है ये बढ़ रही है लेकिन अकॉर्डिंग टू ये देखिए जनसंख्या यहाँ क्या हो गई कम हो रही है तो क्या है आयु वर्ग प्रतिशत यानी सी जो है यह जनसंख्या वृद्धि दर को दिखा रहा है घटती जनसंख्या को इंगित कर रहा है पिरामिड सी अगला क्वेश्चन देखते हैं लिखा है <clears throat> चित्र में ए बी सी डी चार वक्र प्रस्तुत है इनमें से वक्र चर घातांकों की वृद्धि को इंगित करता है चर घातांकों की वृद्धि को इंगित कर रहा है सिर्फ एक कौन वो भी सी कौन सा इंगित कर रहा है सिर्फ आ, 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 सी सॉरी सी के बाद डी भी है क्योंकि ये प्लेन गया है एकदम ये देखिए थोड़ा सा एक्सपेंड हुआ है और इलास्टिक की स्थिति से वो जा रहा है सी और इसके ज्यादा का डी है जो और बहुत ज्यादा इंगित कर रहा है चरघातांकों की वृद्धि को यह वृद्धि को इंगित कर रहा है यानी ऑप्शन होगा हमारा डी ठीक है अगला क्वेश्चन देखो <coughs> लिखा है कि निम्नलिखित वेग पर आलेख कीजिए या आले कि की दो एक ही रेलगाड़ियों को दर्शा रहे हो और समांतर पटरियों पर एक ही समय पर चलना शुरू करती है देखिए हम बताते हैं कि कैसे बनाना है देखिए ये एक डायग्राम मैं बना देता हूं ये एक डायग्राम बन गया है ये जीरो और ये वेग है ये वेग है ये वेग और यहाँ पर समय यहाँ पर समय रेलगाड़ी रेलगाड़ी ये ये आ गई ए रेलगाड़ी और बी रेलगाड़ी ये बी है अब देखिए कौन सा कथन सही नहीं है उसने कहा उसने कहा कौन सा कथन सही नहीं है लिखा है रेलगाड़ी बी का प्रारंभिक त्वरण रेलगाड़ी एक प्रारंभिक त्वरण की अपेक्षा अधिक है पॉसिबल ही नहीं हम पता ही नहीं कर सकते हैं कि ऐसा कैसे है ना अच्छा ये तो तो इसको जो है हम कुछ दिया नहीं है इसलिए इसको तो हम ना ही कर देते हैं बी रेलगाड़ी बी सदर रेलगाड़ी एक अपेक्षा अधिक तेज दौड़ रही ऐसा पॉसिबल नहीं कुछ दिया ही नहीं है समय पर लिखा है दोनों रेल रेलगाड़ियों का वेग समान है ठीक है समय पर दोनों रेलगाड़ियों का वेग समान है ये भी कैसे हम तय कर सकते हैं दोनों का कुछ दिया नहीं है समय इकाई में दोनों रेलगाड़ियां एक समान दूरी तय कर, कर सकती हैं ठीक है अच्छा ये है समय इसलिए टीओके दोनों रेलगाड़ियां एक समान दूरी तय कर सकती है अब इसमें से हम देख सकते हैं कि आ, हमारा ऑप्शन क्या है कि ऑप्शन हमारा सही होगा वेग और समय में खींचे गए ग्राफ के क्षेत्रफल को निरूपित कर रहा है इसलिए रेलगाड़ी बी द्वारा चली गई दूरी रेलगाड़ी ए द्वारा चली गई दूरी से अधिक होगी देखिए दोनों का समय समान है लेकिन रेलगाड़ी बी द्वारा रेलगाड़ी एक पीछे तेज़ दौड़ रही है और अधिक तेज दौड़ रही है दूरी समान है और टी समय पर दोनों रेलगाड़ियों का वेग समान है ठीक है रेलगाड़ी बी सदर रेलगाड़ी एक की अपेक्षा तेज दौड़ रही अधिक तेज दौड़ रही है ठीक है अच्छा एक समान दूरी तो तय करती है एक समान दूरी क्या करती है इसलिए हमारा डी सही होगा क्या होगा डी सही होगा डी से देखिए वेग और समय के हिसाब से खींचा गया इसलिए रेलगाड़ी बी द्वारा चली गई दूरी उसके द्वारा चली गई दूरी से अधिक होगी लेकिन अगर यहां से देखें तो पहुंच तो दोनों यही रही है ना तो ऐसा कुछ दिया नहीं है तो हमारा जो डी ऑप्शन होगा वो सही समय अकॉर्डिंग टू ऑप्शन की समय इकाई में दोनों रेलगाड़ियां एक समान दूरी तय कर रही हैं ठीक है, है? चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न समझते हैं लिखा है कि एक ए बी सी डी ई एक परिवार के सदस्य हैं दो पिता हैं दो पुत्र हैं दो पत्नियां हैं तीन पुरुष हैं दो स्त्रियां हैं अध्यापिका एक वकील की पत्नी है यह वकील एक डॉक्टर का पुत्र है ई e पुरुष नहीं और ना ही किसी व्यवसाय की पत्नी है ठीक है परिवार में सी सबसे कम उम्र का है और डी सबसे बड़ा है तो बी एक पुरुष है ठीक है अच्छा हम बनाते हैं देखते हैं जरा ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है रीजनिंग का हमारा और इसको हम किस तरह से कर सकते हैं सबसे पहले अध्यापिका एक वकील की पत्नी है अध्यापिका एक वकील की पत्नी अध्यापिका अध्यापिका पत्नी है वकील की अच्छा अध्यापिका एक वकील की पत्नी है ठीक है अच्छा वकील की पत्नी है यानी वकील से विवाहित है वकील से विवाहित है ठीक है यह वकील डॉक्टर का पुत्र है अच्छा डॉक्टर जी का पुत्र है वकील डॉक्टर का पुत्र है वकील ठीक है एक पीढ़ी नीचे आ गए ठीक है डॉक्टर का पुत्र है लिखा है ई पुरुष नहीं है ओके ई पुरुष नहीं है और ना ही किसी व्यवसाय की पत्नी है अच्छा लिखा है दो ही पत्नियां हैं ठीक है दो पुत्र हैं तो इसका मतलब ई डॉक्टर की पत्नी हो गई ई जो हो गई डॉक्टर की पत्नी और डॉक्टर हो गया ये ठीक है लिखा है और ना ही किसी व्यवसाय पत्नी परिवार में सी सबसे कम उम्र का है और डी सबसे बड़ा है अच्छा डी सबसे बड़ा इसका मतलब डॉक्टर हो गया डी और सबसे कम उम्र का है सी सबसे कम उम्र का है सी यानी सी जो है इनका बेटा हो गया क्योंकि कह रहा दो पिता हैं दो पुत्र हैं सी इनका बेटा हो गया ठीक सी इनका बेटा हो गया डी सबसे बड़ा बी एक पुरुष है बी एक पुरुष है अब देखिए बी एक पुरुष है तो ई e पुरुष होगा नहीं ई e, e, अध्यापिका पुरुष होगी नहीं तो पुरुष कौन बचा वकील यानी हो गया ठीक है तो अब ये भी हो चुका है तो अब हम देखते हैं जरा कि इतना होने के बाद हमारे प्रश्न का उत्तर क्या आया कि डी का ई से क्या संबंध है डी का ई से क्या संबंध है डी का ई से डी कौन है पति है मैंने आपको बताया हमेशा बेसिक में बेटी रिलेशन के कि का का मतलब होता है कौन का का मतलब कौन तो डी कौन है ई का डी कौन है डी है पति कौन है पति अगला क्वेश्चन देखते हैं इस समूह में स्त्रियां कौन कौन है अच्छा स्त्रियां ई है और ई है और अध्यापिका है ई है और अध्यापिका यानी अब ए ही बचा है तो अध्यापिका को हम ए मान लेते हैं क्योंकि ए बी सी डी और ई e थे तो ए ही बचा है तो अध्यापिक कौन कौन है ए और ई e होना चाहिए ए और ई e. स्त्रियां कौन कौन है ए और ई e. तो ए और ई e की अगर हम बात करें तो किस ऑप्शन में है ए और ई e हमारा सी ऑप्शन में ठीक है किसकी पत्नी अध्यापिका है वकील की यानी बी होना चाहिए बी वकील की पत्नी अध्यापिका है हो गया ठीक अगला प्रश्न देखते हैं लिखा है किसी पंक्ति में श्रीमान एक्स सामने से चौदहवें स्थान पर है अच्छा इधर से एक्स है चौदवें स्थान पर चौदवा स्थान x ठीक है अंत से श्रीमान y अंत से सत्रहवें स्थान है पर हैवें स्थान पर है ठीक ये हो गया जबकि z जो है x और y के ठीक मध्य है यानी z यहां होगा तो यहां से यहां तक के कुछ बच्चे होंगे और यहां से यहां तक के होंगे ठीक है यदि x और y के आगे है और पंक्ति में कुल 48 अच्छा एक चीज और है कि आप टोटल नंबर ऑफ पर्सन जो है 48 है हैं कितने है? 48 यानी 48 टोटल है 48 टोटल ठीक है ये तो हम समझते हैं जरा कि 14 और 17 क्या हो गया 31 और 48 में से जब 31 जाएगा तो बचेगा 17 17 में 8 और 8 यानी बीच में जेड होगा ठीक तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी आठ एक जेड हो गया और यहां से यहां तक की आठ यानी टोटल अब जरा ऐड करिए चौदह चौदह प्लस आठ प्लस एक प्लस आठ और प्लस सत्रह देखते हैं चौदह और सोलह चौदह और सोलह ठीक है चौदह और सोलह तो चौदह और सोलह मिलाकर हो गया हमारे पास तीस तीस और एक इकतीस और सत्रह अड़तालीस हो गया ठीक है इसका मतलब यहां से आ, कह रहा है श्रीमान एक्स और जेड के बीच कितने बच्चे हैं आठ आठ यानी सी यानी सी ऑप्शन ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न देखते हैं कि क्या होगा नीचे दी गई आकृतियों पर विचार करिए देखिए आकृति कोई नहीं है अब आकृति बनती है बनेगी कैसे बनेगी देखते हैं बनाते हैं आकृति आकृति को बनाया जाएगा देखिए कुछ मेहनत तो हमें भी करनी पड़ेगी अगर सब कुछ आपको ऐसे ही देंगे तो कैसे जब हम मेहनत करेंगे आपके साथ तभी आप मेहनत कर पाएंगे ये टू है ये एट्टी है ठीक यहाँ पर सिक्स है यहाँ पर ट्वेंटी फोर है ठीक है और लुप्त संख्या ज्ञात करनी है मिसिंग नंबर ये मिसिंग नंबर ठीक है ये और ये तो यहाँ पर बेटा तीन हो गया यहाँ पर एक सौ बीस यहाँ पर एक्स पर यहां पर छत्तीस ठीक इसे एक सौ बीस को थोड़ा सा साफ कर देते हैं नहीं तो आपको लगेगा कि ये क्या है ठीक है हाँ आप सही है अब यहां पर वन ट्वेंटी लिखते हैं अब कह रहा है कि मिसिंग नंबर नंबर जो है उस पर विचार करिए चलिए विचार करते हैं देखिए थोड़ा सा इस वाले को हम बाहर लाते हैं बाहर लाते हैं देखिए जरा दो है दो में छ जोड़ेंगे तो क्या होगा आठ और आठ दाम अस्सी ठीक अस्सी ठीक और छे में गुणा करना है चार का तो कितना आएगा चौबीस ठीक है छ में चार का अब देखिए जरा एक सौ बीस कैसे आया इस वाले को लाते हैं एक सौ बीस को कैसे आया एक सौ बीस को लाते हैं जरा कैसे एक सौ बीस तीन तीन में हम जोड़ते हैं देखिए एक सौ बीस आया होगा तो 120 कैसे आया होगा 10 से गुणा करने पर 10 में किसमें 12 का इसका मतलब तीन में नौ को जोड़ा गया है और यह हो गया है 12 12 दाम 120 ये हो गया तो इसका मतलब यहां पर क्या रहा होगा x की वैल्यू नौ नौ चौको छत्तीस प्रूफ हो गया यानी हमारा उत्तर क्या आ गया सी उत्तर क्या आ गया सी उत्तर आ गया सी यानी नौ का ठीक है अगला देखते हैं अगला क्वेश्चन ये पिछला आ गया है अब अगला नीचे दी गई आकृति पर विचार कीजिए अच्छा आकृति पर विचार करते हैं भाई लिखा है आकृति पर विचार करिए और ए से बी तक हमेशा रेखाओं के साथ दाहिनी दिशा में अथवा नीचे की दिशा में बढ़ते हुए जाता है वह कितने अलग अलग मार्ग अपना सकता है चलिए देखते हैं भाई देखते हैं भाई कितने अलग अलग मार्ग अपना सकता है ठीक ये ये और ये ठीक मार्ग को अपनाते हैं भाई देखते हैं ए ये और ये ये है ए ये है बी अब मार्ग अपनाते हैं ठीक कितने अलग अलग मार्गों को ए से बी तक जाना है तो कितने अलग अलग मार्ग अपना सकता है देखिए दाहिने ही जाना है तो एक तो ये रास्ता हो गया एक ठीक एक ये आ गया ठीक उसके बाद दूसरा दूसरा रास्ता ठीक है उसके बाद तीसरा ठीक उसके बाद चौथा उसके बाद पांचवा ये और उसके बाद छठा यही तो हुआ रास्ता इसके अलावा तो कहीं जा नहीं सकता है यानी कितने मार्ग अपना सकता है ये छह मार्ग अपना सकता है ठीक है चलिए अगला देखें नीचे निम्नलिखित आकृति पर विचार कीजिए और नीचे के प्रश्न का उत्तर उपयुक्त ग्रिड में त्रिभुजों की कुल कितनी संख्या त्रिभुज की तो हम आपके सामने एक त्रिभुज बनाते हैं ताकि आपको भी पता चले एक त्रिभुज को ड्रॉ कर रहे हैं त्रिभुज ड्रॉ कर रहे हैं तो देखिए जरा ये और ये और ये ठीक है तो ये और ये और ये और ये और ये ठीक है ड्रॉ हो गया अब देखिए कह रहा है त्रिभुजों की कुल संख्या कितनी है तो देखिए जरा मैं थोड़ा सा आपको एंड देता हूं आप एक बार देखिएगा कि एक साथ एक साथ एक त्रिभुज लेने पर एक त्रिभुज एक त्रिभुज जब एक त्रिभुज लेंगे एक एक साथ एक त्रिभुज एक त्रिभुज लेंगे तो कुल त्रिभुजों की संख्या बनेगी बारह ठीक एक साथ लेंगे जब ठीक है ठीक बारह अब देखिए अब एक साथ चार त्रिभुजों को लेंगे जब चार लेंगे कितने लेंगे चार एक साथ चार एक साथ चार त्रिभुज लेने पर सात बन रहा है ठीक एक साथ नौ लेने पर एक साथ नौ त्रिभुज लेने पर संख्या तीन बन रही है ठीक एक साथ बारह त्रिभुज लेने पर संख्या एक बन रही है तो इस प्रकार कुल कितनी संख्या हो गई देखिए सात तीन दस एक ग्यारह 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 बाईस और एक तेईस यानी कुल तेईस त्रिभुज बन रहे हैं ठीक है तो बस आज के लिए इतना रखते हैं मिलते हैं अगले वीडियो में यानी प्रीवियस ईयर जो सेशन हमारा चल रहा है सी सेट का उसमें 2011 का ही पार्ट टू ओके मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए थैंक यू